तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है अलवर वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि अलवर वाले जो है दोस्तों इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अलवर या अलवर के आसपास के एरिया से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का जो एरिया है वो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके। बाकी सारे एरिया जो है दोस्तों वहाँ छोटे छोटे स्टेशनों पर लिफ्ट एस्केलेटर लग रहे हैं, तो आप लोग क्यों अपने स्टेशन के लिए आवाज़ नहीं उठाते? तो बस प्लीज़ इसी के चलते जो है यहाँ पर अपने इस चैनल को, लोकल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल के दिन ये जो है दोस्तों यहाँ पर महंत बालकनाथ योगी जी जो हैं यहाँ पर मिले थे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से, जिसमें उन्होंने अलवर क्षेत्र से रिलेटेड काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर रखे थे। अखबार में क्या छपा उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अखबार में तो दोस्तों ये भी छपा है कि अलवर में ठहराव होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर को जो मिलने वाली है, अजमेर को जो रेक मिलेगा दोस्तों वो है शताब्दी एक्सप्रेस के रिप्लेसमेंट पे। तो एक बात तो यहाँ पे आप लोगों को भी क्लियरली समझ में आई गई होगी कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ। अगर शताब्दी रिप्लेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अलवर को तो हॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा ना, तो इस बात पे ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है कि सिर्फ उसी को ही यहाँ पर हॉल्ट दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अलवर चरखी दादरी रेल लाइन वाया नारनौल महेंद्रगढ़ के लिए यहाँ पर जो महंत बालकनाथ योगी हैं वाया बहरोड़, तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर जो अपील है उसको रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी कल के दिन जब महंत बालकनाथ योगी जी जब रेल मंत्री जी से मिले थे, तो सबसे पहली जो बात है योगी जी के द्वारा यहाँ पर इसी बारे में की गई थी, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से जो है यहाँ पर पंगे चल रहे हैं, या इस ट्रेन को या तो ततारपुर कनीना खास काठुवा चरखी दादरी इस तरीके से बनाया जाए, और नारनौल महेंद्रगढ़ के लोगों का मानना है कि इस रेल लाइन को पुराने ही प्रपोज्ड रूट के साथ में बनाया जाए। तो अगर उस प्रपोज्ड रूट से बनाया जाएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे एरियाज हैं वो इस रेल लाइन से कनेक्ट होंगे। और वहीं दोस्तों अलवर लक्ष्मणगढ़ रेल लाइन के बारे में भी यहाँ पर कुछ ह्यूमर्स निकल करके आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई मेरी पुष्टि नहीं देता हूँ, मेरा मानना तो ये है कि ऐसी कुछ भी अभी यहाँ पर बात नहीं चल रही है, क्योंकि जब से मैंने ये दोसा बयाना वाली रेल लाइन का जिक्र अपने वीडियो में किया है, तो दोस्तों तभी से यहाँ पर काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं या फिर काफ़ी सारे जो मैसेजेस हैं पर्सनल में दोस्तों वो मुझे आ रहे हैं कि अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए अलवर साउथ सेक्शन से होते, यानी कि अलवर का जो साउथ एरिया बढ़ता है वहाँ से होते हुए एक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो कि खेडली होते हुए सीधा बयाना में मिलेगी। तो आप लोगों का क्या मानना है, अगर अलवर से जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों का अगर इसके बारे में कुछ मालूम है या आपके आसपास में रहने वाले लोगों को कुछ मालूम है, तो प्लीज़ कंफर्म करके इस कमेंट में ज़रूर से बताना इस वीडियो के, ताकि लोगों में और थोड़ी सी जागरूकता फैल सके। अगर वीडियो आप लोकल एरिया से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रानीखेत एक्सप्रेस का हॉल्ट मालाखेड़ा स्टेशन पे, वहीं दोस्तों दिल्ली से अलवर के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन एक डेमू या मेमू के संचालन की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर एक मांग बनी हुई है, लेकिन रेलवे इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही यहाँ अलवर के लोग ध्यान देते हैं। अलवर के लोगों का तो ये है कि अगर यहाँ पे नई नई ट्रेनें चल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नई ट्रेनों के संचालन से पहले आप लोगों को अलवर दिल्ली के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन या फिर जयपुर अलवर दिल्ली के बीच में वाया अलवर रेवाड़ी एक ट्रेन की मांग तो करनी ही चाहिए, जो एक लोकल ट्रेन हो, जो आपको आश्रम एक्सप्रेस में जो आप भीड़ में एकदम चढ़ चढ़ के विदाउट टिकट जाते हैं उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो बस कुछ इसी के चलते यहाँ पर अलवर से होते अलवर दिल्ली पैसेंजर और रेवाड़ी से जयपुर के बीच में एक लोकल वाया नारनौल के लिए भी यहाँ पर मांग की गई है। नारनौल होते हुए दिल्ली से जयपुर के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन की भी मांग यहाँ पर की गई है। वहीं साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों भिवानी बोरी वाली एक्सप्रेस को नियमित चलाने की भी यहाँ पर मांग की गई है, उसके फेरों में वृद्धि करके। उसके अलावा दोस्तों पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस का जो रेक खड़ा रहता है उदयपुर में, उसको अलवर रोहतक के रास्ते जो है दोस्तों यहाँ पर संचालित करने की बात की गई है, क्योंकि उसका रेक खड़ा रहता है। हमसफर एक्सप्रेस कटरा तक संचालित करने की बात की गई है। तो कुछ ऐसी जो मांगें दोस्तों महंत बालकनाथ योगी जी के द्वारा रेल मिनिस्टर जी के सामने रखी गई हैं। वहीं अभी अलवर नारनौल से संबंधित जानकारी को लेकर के दोस्तों अभी हाल ही में
दैनिक रेल यात्री संघ के कुछ जो लोग हैं दोस्तों, वो रेल मिनिस्टर जी से मुलाकात करने के लिए या तो दोस्तों वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं या फिर वो मुलाकात कर चुके हैं। तो बस ऐसे ही कुछ जानकारी यहाँ पर निकल करके आई है। अब उस मुलाकात में क्या निर्णय निकला है उसके बारे में भी हम लोग आपको आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।